मॉर्निंग क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक कुमार। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर एंड हाउ टू रीनेम ए फोल्डर, हाउ टू मूव ए फोल्डर, हाउ टू कॉपी ए फोल्डर। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फोल्डर कैसे क्रिएट किया जाता है, फोल्डर के यूज क्या हैं, फोल्डर को रीनेम कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये डेस्कटॉप यहाँ दिख रहा है, इस डेस्कटॉप पर आप राइट क्लिक करेंगे। फर्स्ट राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एरिया। सो यहाँ पर आपको दिखेगा व्यू सॉर्ट बाई रिफ्रेश, इस तरह का कुछ दिख रहा है। यहाँ पर मैंने माउस के राइट बटन को क्लिक किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे राइट बटन। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एरिया एंड क्लिक ऑन न्यू बटन्स। यहाँ पर इसके पॉपअप्स खुल गए हैं और ये न्यू जो दिख रहे हैं आपको, न्यू पर क्लिक करना है। क्लिक ना भी करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर फोल्डर, जस्ट क्लिक ऑन फोल्डर। तो जैसे ही आप यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक फोल्डर बन करके आ जाता है, नेम रहता है उसका न्यू फोल्डर, ठीक है। लेकिन जब आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये बिल्कुल खाली रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, यानी कि ये फोल्डर खाली है, ये फोल्डर में कुछ भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये तो फोल्डर बनाने का तरीका हो गया, अब इस फोल्डर को रीनेम कैसे करेंगे। रीनेम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप कीबोर्ड में F2 बटन को प्रेस करें। F2 बटन को प्रेस करेंगे तो जैसे ही आप F2 बटन को प्रेस करते हैं तो ये इस तरह का आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अभिषेक कुमार के नाम से फोल्डर बन गया। अब स्टूडेंट्स, सपोज मान लीजिए ये हमारे पास एक फाइल है, क्लास 8E लिखा हुआ है, ये मेरे पास फाइल है, ठीक है। इस फाइल को हमें इस फोल्डर में रखना है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, इस फोल्डर, इस फाइल पर या तो इस फाइल को कॉपी कर लेंगे या तो इस फाइल को कट कर लेंगे। सो देखिए होता क्या है कि जब हम किसी भी फाइल को कॉपी करते हैं तो वो उसका डुप्लीकेट बनता है। सपोज यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, एक है कॉपी और एक है कट। तो यहाँ पर अगर हम कट करते हैं और इसे ओपन करते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं, देखिए यहाँ पेस्ट बटन आ गया, ठीक है। तो ये होता क्या है कि ये यहाँ पर से ये हट करके ये चीज़ यहाँ चला गया, यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर एक जो फाइल था वो वहाँ से हट गया और वो फाइल यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अगर हमें कॉपी करना है, सपोज मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक फाइल है और इसे हम यहाँ भी रखना चाह रहे हैं और इस फोल्डर में भी रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें कॉपी करना होगा, राइट क्लिक, क्लिक ऑन कॉपी बटन, डबल क्लिक ओपन एंड राइट क्लिक पेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर भी है और आपका इस फोल्डर में भी आ गया। अब जैसे ही डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगला है कि हाउ टू डिलीट। इस फोल्डर को अब हमें डिलीट करना है, कैसे हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए कुछ नहीं है, बस राइट क्लिक करना है और यहाँ पर से डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए पूछ रहा है, आर यू श्योर वांट टू मूव दिस फोल्डर। एक्चुअली में फोल्डर डिलीट नहीं होता है, कोई भी फाइल ये वगैरह डिलीट नहीं होता, वो पहले जाता है रिसाइकल बिन में। यहाँ पर देखिए एक रिसाइकल बिन का ये साइन बना हुआ, ये पहले जाएगा रिसाइकल बिन में, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यस कर दिया, ये देखिए यहाँ से तो हट गया बट ये कहाँ आ गया, रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन में जब आ गया तो हम इसे फिर, जब तक ये रिसाइकल बिन में है तब तक हम इसे रिमूव
कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ से रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए फोल्डर दिख रहा है। अब इस फोल्डर पे क्या करना है, मुझे राइट क्लिक करना है और रिस्टोर कर देना है। तो जब हम रिस्टोर कर देंगे तो ये फोल्डर जहाँ से डिलीट हुआ था वहीं वापस चला जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया, ये डेस्कटॉप पर से डिलीट हुआ था तो यहाँ पर ये वापस आ गया। ठीक है, अब है कि अगर फिर से इसे रीनेम करना है तो इसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रीनेम करेंगे, ये आप कर लेंगे। अब इसे हम ओपन करते हैं, ठीक है, डबल क्लिक से ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये होता है इसके चेंज योर व्यू, यहाँ पर जो फाइल दिए हुए हैं इसके व्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इतने तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्स्ट्रा लार्ज व्यू, ये काफ़ी लार्ज व्यू में शो करेगा। उसके बाद है लार्ज व्यू, लार्ज व्यू पर जब क्लिक करते हैं तो ये बड़ा शो करता है थोड़ा सा। मीडियम आइकन्स, ये इस तरह का शो करेगा। स्मॉल आइकन्स, ये देखिए स्मॉल आइकन्स शो करेगा। लिस्ट, ये लिस्ट वाइज के जैसा आ जाएगा। उसके बाद है डिटेल्स, ये विथ डिटेल्स आ जाएगा कि कौन सा फाइल को किस डेट में बनाया गया। जैसे यहाँ पे देखिए ये 14 तारीख के डेट में ये बना है तो यहाँ पर 14 डेट मोड यहाँ दिया हुआ है, डेट बता रहा है। ये बना हुआ है 23 तारीख के डेट में, 23/8/2020 3:58 में बना हुआ है तो ये वहाँ पर बता रहा है। किस चीज़ का फाइल है तो XPS का फाइल है। ये किसका फाइल है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट्स का फाइल है। देखिए यहाँ पर बता रहा है साइज़ कितना है, तो इसका 14 MB साइज़ है और इसका है 1312 KB का साइज़ है, सॉरी इसका 14 KB का साइज़ है। तो यहाँ पर इसके सब पूरा डिटेल्स बता रहे हैं। नेक्स्ट अगला है इसका टाइल्स, टाइल्स में कुछ इस तरह का शो करेगा अलग ढंग का। उसके बाद है कंटेंट, यहाँ पर देखिए बिल्कुल कंटेंट्स अलग अलग, तो ये बिल्कुल अलग शो कर रहा है, ये बिल्कुल अलग शो कर रहा है। तो आप जिस व्यू में रखना चाहें ये आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसे मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ जो कहीं बुक में नहीं है, बट आप अगर उसे जान लेते हैं तो बिल्कुल अच्छा रहेगा आपके लिए। और अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये फोल्डर हम यहाँ पर और ये फोल्डर को हमें किसी भी नाम से रीनेम नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई नाम ना लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स फाइल रखूँगा और इम्पोर्टेंट्स फाइल रखने के बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर से कोई ओपन करे इसे, ये बिल्कुल हाइड हो, सो ना हो किसी को, तो वो कैसे मैं करूँगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और ये कहीं बुक में पढ़ना नहीं मिलेगा, बट आप सीखेंगे तो ये आपका काम आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे क्या करेंगे, रीनेम पर क्लिक करेंगे और ये जो है इसे हटा देंगे। अब ध्यान रखना है कि ये जो कर्सर पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इस कर्सर पॉइंट पर राइट क्लिक करना है, बिल्कुल इस कर्सर पॉइंट के बीच में राइट क्लिक करना है। ठीक है, और राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत ये नीचे से थर्ड नंबर में इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे कोड्स दिख रहे हैं तो इसमें से कोई भी एक कोड पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और इंटर बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है कि ये फोल्डर विदाउट किसी नेम से क्रिएट हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल आप रिफ्रेश भी करके देख सकते हैं, रिफ्रेश भी मैंने किया। यहाँ पर देखें जितने भी आइकन्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, सभी में कुछ ना कुछ नीचे में नेम दिया हुआ है, बट यहाँ पर कोई भी नाम नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही तरीका है। अब क्या करना है, इसे ये तो यहाँ पर शो हो रहा है बट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर शो ना हो, सिर्फ मैं ही जानूँ कि यहाँ पर फोल्डर रखा हुआ है। तो राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कस्टमाइज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। कस्टमाइज पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर देखेंगे नीचे में चेंज आइकन, चेंज आइकन पर दिख रहा है। अब यहाँ पर से या तो आप इसके आइकन्स को चेंज कर सकते हैं कोई भी,
या फिर ब्लैंक वाला कोई भी एक ले सकते हैं। ये देखिए ब्लैंक है, ये देखिए ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, कोई भी ब्लैंक आप ले सकते हैं। चलिए मैं यहीं पर कोई भी एक ले लेता हूँ। यहाँ पर ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर ओके करेंगे, ठीक है, और एक बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हाइड हो गया, जबकि यहाँ पर ये है। अगर माउस के पॉइंटर को अगर आप यहाँ पर लाते हैं तो ये देखिए हल्का सा यहाँ पर शो करेगा, लेकिन यहाँ पर अगर कोई जनरल अगर ऐसे आप देख रहे हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर ये शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसे डेस्कटॉप पर ना रखें, कोई डी ड्राइव ई ड्राइव में भी रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट फाइल कोई भी नहीं देख पाएगा, वो बिल्कुल छुपा हुआ रहेगा, उसे सिर्फ आप ही देख पाएंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फोल्डर ओपन भी हो गया, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप इसे क्या करना है, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, फिर से उसे लाना है वापस तो फिर से राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे, चेंज आइकन्स में जाएंगे, और कोई भी यहाँ पर से एक चूज़ कर लेंगे। सपोज यहाँ पर मान लीजिए कि ये वाला हमें लेना है, ओके करिए, फिर ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इस तरह का आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीचे लाइक करें, लाइक का बटन दबा दें, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8969327286 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।